फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, सीपाई में आपका स्वागत है। ये आज रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कर रहे हैं। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है बताओ, कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं इनोलेट आयन के साथ। किसके साथ बताओ? इनोलेट आयन के साथ करते हैं। और क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, दो टाइप से इसको समझ सकते हैं। एक तो एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट आपका एल्डोल बनेगा, ये वाला एल्डोल प्रोडक्ट का, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला। दूसरा आपका क्या होगा, एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड जो कीटोन या एल्डिहाइड जो भी बनेगा आपका, ये कब बनेगा? जब आपका कंडेंजेशन रिएक्शन होगी। किसकी कंडेंजेशन? एल्डोल की कंडेंजेशन। ठीक है, तो इसको समझते हैं और इसकी जो है उसमें चलते हैं, क्या बोलते हैं इसकी काम करते हैं, इसका जो है वो करते हैं मैकेनिज्म समझते हैं इसकी, ना मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसकी, मैकेनिज्म को समझते हैं कि पहला स्टेप क्या है। देखो, मान लीजिए ना, आपके पास दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड OH दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, एल्डोल रिएक्शन होगी एल्डिहाइड या कीटोन चैप्टर में, इसके अलावा कहीं नहीं होगी। ठीक है, इसका ध्यान रखें। आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है किसी NaOH बेस के साथ। NaOH क्या होगा, एक बेस होगा तो इस प्रोटोन को ले लेगा। इस प्रोटोन को लेने के बाद क्या बनेगा बताओ? यहाँ से प्रोटोन लिया तो बनेगा क्या, CH2 बचा, C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा यहाँ पे, H बचा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? माइनस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, जो इधर रेजोनेंस के लिए जाएगा और ये ऊपर की तरफ। कहने का मतलब आपका ये वाला चीज़ मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CO के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया बताओ, H। ये है पहला स्टेप, ये पहला स्टेप है। उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप के लिए देखें, आपको एक और मोल लेना है। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल ये वाला है, दूसरा एक मोल और लेना है। कहने का मतलब आप क्या करोगे बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया आपने, एल्डिहाइड है प्लस। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है बताओ? देखो, यहाँ पे जो आपका पहला वाला मिला हुआ है इसके साथ कराओगे, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CO के पास माइनस, और यहाँ पे क्या है बताओ, H। इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको इधर लाओगे तो बनेगा क्या आपका, एक मिनट, इरेज नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, कहने का मतलब अब आपका क्या बना है उसको ध्यान दें। ये आपका बना है भाई, आपका बना है CO के पास क्या आ गया बताओ, माइनस चार्ज आ गया, H आ गया, है ना। अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ, इधर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आएगा आपका O, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर। ठीक है, फिर देखें, CH3 बना C के पास, ये वाले के पास, इस वाले को लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से क्या बना बताओ, O के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या आ गया बताओ, H आ गया। नीचे लिखो क्या, CH2, है ना, C डबल बॉन्ड O, और आगे क्या हो गया बताओ, H हो गया, ये आपका बना। आपको क्या करना है, इसके बाद प्रोटोनेशन करवा देना है H पॉजिटिव का, तो ये बनेगा आपका CH3C। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आएगा, नीचे CH2, और क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आ गया। यह आप गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट, क्या हो गया बताओ, एल्डोल प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस एल्डोल प्रोडक्ट के आगे क्या करना है, देखो अगर आप क्या करते हो ना, इस पे H पॉजिटिव, और आप क्या करते हो बताओ, हीट का यूज करते हो, तो ऐसे में क्या हो जाता है, यहाँ से H2O निकलता है, और आप बनता क्या है उसको देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। इसको बोला जाएगा आपका एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट,
कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा इस, इसका नाम, ठीक है। ये हो गई आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म एल्डोल रिएक्शन को समझने का, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि मान लीजिए अब आपको कहीं पे ना क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखना है। डायरेक्ट आंसर लिखने का मतलब ये हुआ, मान लो आप चाहते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि इसका डायरेक्ट कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट कैसे लिखें, उसको ध्यान दो। मान लीजिए ना कंडेंसेशन कैसे लिखना होता है उसको ध्यान देना। सी एच थ्री गिवन है आपको, सी डबल बॉन्ड ओ एच, अगर इसके 2 मोल दे रखे हैं तो, और आपसे पूछा जाए इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एन ए ओ एच से, तो बनेगा क्या? उसके लिए ध्यान दें क्या करना है, अलग अलग मोल लिख देने हैं। कैसे लिखेंगे, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या कर दो एच लिख दो, प्लस क्या करो जो सी एच थ्री अगला वाला है ना उसको ऐसे कुछ लिखो, कार्बन इधर हाइड्रोजन लिखो, इधर भी क्या लिखो हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पे सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी तो सी एच थ्री सी एच ओ है ना। इसके बाद क्या कर दो डायरेक्टली आंसर क्या लिखाना है, यहाँ से ये ऑक्सीजन है ये दोनों हाइड्रोजन है, इन सबको क्या कर दो एक साथ निकाल दो और इन डबल बॉन्ड को इस कार्बन के साथ जोड़ दो, क्या होगा फिर सी एच थ्री बनेगा। देखो यहाँ पे सी एच आएगा, डबल बॉन्ड क्या आएगा सी एच आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच आएगा, बस इतना ही होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट वन लाइन का है ये, वन लाइन, ठीक है ना। वन लाइन में कैसे लिखना है, मान लीजिए एक और करते हैं, मान लो आपको दे दिया एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे बेंजीन होगी आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, मान लीजिए इसके आपको 2 मोल दे दिए, आपको बोला एल्डोल करना है, यहाँ पे क्या करना है एल्डोल करना है, तो क्या बनेगा डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, आप क्या करो सी डबल बॉन्ड ओ को यहाँ लिखो, नीचे की तरफ आप ये जो फिनाइल बेंजीन रिंग है उसको फिनाइल बोला जाता है तो पी एच लिख दो, ऊपर की तरफ क्या कर दो सी एच थ्री लिख दो, प्लस आगे आगे क्या करना है आपको, ये जो सी एच थ्री लिखा है ना इसको आगे की तरफ लिखो, मतलब सी एच यहाँ पे भी क्या कर दो हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पे भी क्या लिखो हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पे क्या कर दो सी डबल बॉन्ड ओ और फिनाइल रिंग को पी एच लिख दो। देखो फिर से आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन ऐसे निकाल देना है, इन दोनों को निकाल दोगे, इन तीनों को मतलब निकाल दोगे तो माइनस एच टू ओ होगा, जो कि कंडेंसेशन के बाद तो होता ही है ना भाई, हीट देने पे तो माइनस एच टू ओ ही होता है। क्या करो सी एच थ्री यहाँ पे कार्बन है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बताओ पी एच लगा हुआ है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है सी एच के साथ, सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, ये आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया बताओ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, सिंपल सा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली जो रिएक्शन होगी वो होगी क्रॉस एल्डोल, और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन होंगी आपकी, ऑक्सीडेशन अगर मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है, ये सारी की सारी रिएक्शन नेक्स्ट वाली लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।